अगर आपके पास ऐसा एक पुराना डिज़ाइन वाला वोटर आईडी कार्ड है जो कि खराब हो गया है, फट गया है या तो गुम हो गया है, तो आप अगर पीवीसी वाटर आईडी कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही ऐसा एक पीवीसी वाटर आईडी कार्ड को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर देना है वाटर हेल्पलाइन। वाटर हेल्पलाइन का एक एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल कर देने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने पहला यूज़र इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं वाटर हेल्पलाइन का ये ऑफिशियल एक ऐप है जो आपको इंस्टॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो भी लैंग्वेज को चूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा लॉगिन। सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी एंटर करना है और आपको अपना पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको फिर से इस पेज पर आ जाना है और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है और जो भी पासवर्ड सेट किया वो यहाँ पे डाल के लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वाटर रजिस्ट्रेशन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म एट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेटेस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। लेटेस्ट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले नंबर पे क्लिक कर देना है, यस आई हैव वाटर आईडी नंबर। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना वाटर आईडी नंबर को एंटर कर देना है और फेस डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा अपने वाटर आईडी कार्ड का। तो सिंपली आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे की ओर जाना है, आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपीआईसी विदाउट करेक्शन, आपको इस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टिक लगा लेना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ये डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा, आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है, जो भी आपका लगता है गांव, उसका नाम डाल देना है और सिंपली डन पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म, इस फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है और नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो आपको एक रेफरेंस आईडी देखने को मिल रहा है जिसका आपको कॉपी कर लेना है या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट को आपको संभाल के रखना है जिसका आपको स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका ये कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ है आपका ये आपने जो भी एप्लीकेशन किया वो। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है और आपको इसका स्टेटस चेक करना है। तो एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अगर नहीं देखने को मिले तो आपको यहाँ पे अपना जो भी रेफरेंस आईडी है उसको डालना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है और नीचे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेटस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, फॉर्म टाइप, आपने जो भी फॉर्म भरा है वो, और आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़े दिन इसको आपको चेक करते रहना है। जैसे ही ये लास्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके घर के पते पर थोड़े देने में आपको अपना पीवीसी वाटर आईडी कार्ड मिल जाएगा।
तो ऐसे आप अपना PUC वाटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।